अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, राइट। उन सारी चीज़ों के अबाउट हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे फाइवर के ऊपर मोस्ट कॉमन स्कैम्स की, कि जो कि नॉर्मली चलते हैं फाइवर के ऊपर, और आप लोगों ने उन सारे स्कैम से अवॉइड करना है, उन सारे स्कैम से दूर रहना है। तो यहाँ पे जितना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है फाइवर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मतलब, और स्कैमर्स भी अवेलेबल हैं, स्कैमर्स भी बहुत सारे होते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप लोगों ने उनसे बचना है। तो जो कॉमन स्कैम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे आज हम। तो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट बायर्स आते हैं आपके पास और आपको कहते हैं कि मैं आपको पेमेंट, मेरा कोई दोस्त आपकी कंट्री में रहता है वो आपको पेमेंट बैंक में कर देगा, आप मुझे क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट भेज दें। तो आपने क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन का, इस तरह का ट्रेडिंग का, क्रिप्टो करेंसीज का बिल्कुल काम नहीं करना, आपने साफ इनकार कर देना, बल्कि उस बायर को रिपोर्ट कर देना, राइट। अगर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के रेलिवेंट अगर कोई सर्विस दे रहे हैं आप, जैसे कोई वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं या नॉन फंजिबल टोकन डिजाइन करके दे रहे हैं या इस तरह का, तो वो तो लीगल है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो आप बिल्कुल नहीं कर सकते और आपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा डिफरेंट बायर्स आपके पास आते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप हमें क्या करें, आप हमें मतलब डॉलर्स के अंदर आप हमसे पेमेंट ले लें, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके कंट्री के अंदर, तो मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ, आप मुझे अपने बैंक डिटेल्स दें और इसको इनिशिएट करने के लिए आप मुझे कुछ पेमेंट दें तो मैं फिर आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। मतलब वो कहेंगे आपको कि मैं आपको 1,00,000 रुपये भेजता हूँ, आप मुझे 2,000 रुपये भेज दो और मैं आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस कर देता हूँ और आप उसको इन्वेस्ट करो और उसके बाद मुझे जो प्रॉफिट हो वो मुझे दे देना। तो ये टोटली स्कैम है, आपने इससे बचना। उसके अलावा कोई भी बायर आता है आपके पास, वो कहता है आपसे कि हमें आप क्या करो, मतलब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, आपको 2,000, 5,000 या $10, $20 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, और वो आपको अकाउंट नंबर देगा कि इस अकाउंट के अंदर आपने भेज दो। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, जिसने आपसे काम करवाना वो सिंपल आपको पेमेंट देगा, आपको रिक्वायरमेंट्स देगा अपने काम की, और आप उसको काम करके दोगे और आपकी पेमेंट आप ले लोगे, राइट। तो आपने इस तरह की कोई सिक्योरिटी सबमिट करवाने वाली, इस तरह का कुछ भी आपने बिल्कुल भी उन बायर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना और उनके साथ काम नहीं करना। उसके बाद आप किस तरह से पता चल सकता है आपको कि आपका बायर ट्रस्टेड है या नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो आपको कम्युनिकेशन से ही पता चल जाएगा कि वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, तो आपने केयरफुल रहना है। और दूसरी चीज़, आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर जाके देख सकते हैं, मतलब आप उसकी प्रोफाइल के ऊपर जाएं और उसकी प्रोफाइल के ऊपर उसका डेट देख लें कि उसने प्रोफाइल कब बनाई है। तो इस तरह के जो स्कैमर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल उसी मंथ के अंदर बनी होती है, मतलब 2-4 दिन पहले ही बनी होगी, पुरानी आईडीज वो यूज़ नहीं करते क्योंकि फायर उनको ऑलरेडी उड़ा चुका होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो नई प्रोफाइल बना के स्कैम करते हैं। अगर वो नई प्रोफाइल है, मतलब विद इन 1 or 2 days बनी है, और वो आपसे कुछ इस तरह की डिमांड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि उसको आपने अवॉइड करना है और इन सारी चीज़ों से बचना है। उसके अलावा डिफरेंट जो क्या कहते हैं बायर्स हैं, वो आपको कुछ लिंक्स भेजते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, ठीक है। अगर आपका लेजिट क्लाइंट है, आपको कम्युनिकेशन से ही सबसे पहला अंदाज़ा हो जाता है, अदरवाइज़ वो आपको कुछ सस्पिशियस लिंक भेजता है और कहता है कि इन पर क्लिक करें आप, ये मेरी वेबसाइट है, इसको देखें, डाउनलोड करें, या कोई सॉफ्टवेयर का लिंक भेजता है, इसको इंस्टॉल करें, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अनटिल अनलेस कि आपको उस सॉफ्टवेयर या लिंक्स के अबाउट नॉलेज ना हो, तो आपने बिल्कुल भी उसको ओपन नहीं करना, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो फाइवर के ऊपर कॉमन चलती हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों से बचना है, इनको अवॉइड करना है, अदरवाइज आप अपनी पेमेंट्स जो है वो लॉस कर सकते हैं और साथ साथ आप अपना अकाउंट भी डिसेबल करवा सकते हैं। तो आपने इस तरह के लोगों की फ़ौरन से रिपोर्ट करनी है फाइवर को, और वो उनका अकाउंट जो है डिसेबल कर देंगे और आप सेफ एंड पे रहेंगे। और जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी ऑर्डर आपने लेने हैं वो फाइवर के ऊपर ही लें। अगर आप फाइवर से बाहर ऑर्डर्स लेते हैं तो आप जो है फाइवर आपकी प्रोफाइल उड़ा सकता है। हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से स्मार्टली आप अपने क्लाइंट को फाइवर से बाहर लेके आ सकते हैं और किन हालात में आपको फाइवर से बाहर वो क्लाइंट लेके आना चाहिए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आगे चल के हम बात करेंगे। अभी जस्ट जो बेसिक जनरल रूल्स हैं उनको आपने माइंड में रखना, किसी बायर के साथ आपने फाइवर के अलावा काम नहीं करना।
तो आई होप आपको समझ आई हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है और कौन से कॉमन स्कैम्स हैं फाइवर के ऊपर। और इसके अलावा आप ऑब्वियसली बात है फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एक स्किलफुल पर्सन है और पढ़े लिखे पर्सन है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ स्कैम है और कौन सी चीज़ लेजिट है। तो मेक श्योर इन सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।